हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो देखिए, आज का इस वीडियो में दिखाएंगे हमारा जो डायनेटिक V4000 है उसका कुछ टिप्स, और इसमें आपको क्या क्या मिलता है सभी बताएंगे, क्या क्या फीचर्स है इसमें सभी बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस एम्पलीफायर में आपको मिलता है दो फैन, ठीक है, चार फैन आपको नहीं मिलता, दो फैन मिलते हैं वो भी पीछे की तरफ। और फ्रंट पैनल में आपको मिलता है, फर्स्ट में है पावर का जो स्विच है वो मिलता है। उसके बाद आपको मिलता है चैनल वन का मास्टर वॉल्यूम और चैनल वन के लिए लिमिटर। जैसे आप इसको अगर ऑन करते हैं तो आपका स्पीकर थोड़ा कंप्रेशन लेगा, यानी कि आपका स्पीकर जो है उड़ने का चांस कम है। इसको अगर ऑफ कर देते हैं तो ये लिमिट से क्रॉस हो जाएगा, आपका स्पीकर भी कट सकता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर। उसके बाद आपको दिख जाएगा सिग्नल, तरपर उसके बाद है -20 dB, 10 dB, 5 dB क्लिप शो कर रहा है, यानी कि आपका स्पीकर का खतरा है, यहाँ से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोटेक्ट मिलता है दो अलग अलग चैनल के लिए, सभी अलग अलग इंडिकेटर्स है। प्रोटेक्ट भी है आपको अलग अलग चैनल के लिए। ऊपर है पैरेलल स्टूडियो ब्रिज मोड के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको दूसरे चैनल के लिए लिमिटर मिलता है, आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ भी रख सकते हैं। नीचे आपको एक मास्टर वॉल्यूम भी मिल जाएगा दूसरे चैनल के लिए। यहाँ पर आपको डायनेटिक का V4000 सुपीरियर साउंड आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इसका क्लोज लुक भी देख लीजिए। इसका अगर बात करें आउटपुट पावर की, तो इसमें आपको मिलता है 8 ओम्स में 700 वाट का आउटपुट पर चैनल, और 4 ओम्स में मिलता है पर चैनल 1200 वाट का आउटपुट, एंड वही आपको 2 ओम्स में मिलता है 1700 वाट का पर चैनल आउटपुट, एक एक चैनल के मैं बता रहा हूँ। और ये वाला हमारा नया मॉडल में जो है वो है, ये हमारा नया मॉडल का है। पुराने वाले मॉडल में आपको 2 ओम्स में 1400 का आउटपुट मिलता है, लेकिन ये हमारा नया मॉडल का है, इसमें आपको 2 ओम्स में 1700 वाट का आउटपुट पर चैनल मिलता है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका बैक पैनल की सेटिंग। तो अभी हम लोग आ गए हैं इसके बैक पैनल में। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा सबवूफर टू नॉर्मल मोड। यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो एक चैनल को सबवूफर में चला सकते हैं, दूसरे चैनल को आप नॉर्मल में भी चला सकते हैं। और ये है हमारा सबवूफर का वॉल्यूम, जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्रिज मोड, पैरेलल एंड स्टूडियो मोड को अलग अलग करने के लिए स्विच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं इनपुट बैलेंस आपको मिल जाएंगे दो अलग अलग चैनल के लिए, और यहाँ पर आप यहाँ से आउटपुट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 32 dB एंड 26 dB, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे नीचे मिल जाएगा आउटपुट, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट। मैं यहाँ पर स्पीकर से आउटपुट लिया हूँ, आप चाहते हैं तो वायरिंग कनेक्शन की जगह से भी ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल बात करें अगर इसके पावर प्लग की, तो पावर प्लग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पावर प्लग ऐसा आता है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आता है। और इसका अगर वेट की बात करें तो इसका वेट है अप्रोक्स 25 kg अप्रोक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, गौर से देख लीजिए। और इसका अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस लगभग 37,000, और ये हमारा मेड इन ताइवान है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको लिख जाएगा मिनिमम लोड इम्पीडेंस 2 ओम्स पर चैनल 4 ओम्स ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ से दो रेड कनेक्शन को वायर कनेक्शन करके हमारा ब्रिज मोड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा ज़रूर, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसका भी आपको एक अलग तरह से वीडियो बनाकर दे दूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीकर में कैसे करना है, ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी इसका प्राइस लगभग 37,000 मैंने तो बता ही दिया है, और ये आप 2 ओम्स में काफ़ी अच्छे से स्टेबल रहता है,
और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।